दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आपकी पृथ्वी है, धरती है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? जो हमारी अर्थ है उसका कितना रेजिस्टेंस है? तो ये जानकारी ज़्यादातर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट ऐड किया था जिसमें मैंने ये सवाल पूछा था कि आखिर जो हमारी पृथ्वी है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे थे उसमें। उसमें बताया जा रहा था कि 1 मेगा ओम से ऊपर इसका रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर लोगों का यही जवाब था, लेकिन 1 या 2% लोग ही उसमें सही जवाब दे पा रहे थे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसकी सही जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। और जिन दोस्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी होती है, धरती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 होता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो वो पूरी तरह से हमारे जो अर्थ है उसमें समा सकती है। कितनी भी हमारे जो पूरा हमारा वर्ल्ड है उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो धरती में आसानी से समा सकती है, वो भी बिना उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस होता है। कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो, कितनी भी पावर हो, वो आराम से जो धरती है उसको कंज्यूम कर लेती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं तो उसका यही ध्यान देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो अर्थ के संपर्क में ना आए। अगर वो अर्थ के संपर्क में आएगी तो जितनी भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं वो सारी की सारी अर्थ हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, पूरी तरह से वहाँ पर ये जो अर्थ है हमारी वो कंज्यूम करती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ओवरहेड लाइन देखा होगा तो उसको हम ऐसे ले जाते हैं कि जो अर्थ से के संपर्क में ना आए। और दूसरी चीज़, अगर हम अंडरग्राउंड भी ले जाते हैं तो उस पर इस प्रकार से इंसुलेशन करके रखते हैं कि वो हमारे जो कंडक्टर है वो अर्थ के संपर्क में ना आए। अगर अर्थ के संपर्क में आएगा तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सारी की सारी ग्राउंड हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको ये जानकारी नहीं थी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है हमारी अर्थ का, तो रेजिस्टेंस होता है लगभग 0 होता है। तो और जो भी दोस्त इसका गलत आंसर दे रहे थे वो अच्छे से इसको देख लें, और दूसरी जगह से भी आप पढ़ सकते हैं कि जो अर्थ होती है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। क्योंकि आप देखना, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो, कितनी भी हो, वो अर्थ में आसानी से समा सकती है। और इसका आपने देखा होगा कि जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग में जब हम उसकी वैल्यू लेते हैं तो जो अर्थ की वैल्यू आती है वो हमारी लगभग 0 रहती है। जो हमारी प्रॉपर अगर अर्थिंग होगी तो उसकी रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से भी कम होना चाहिए। और लगभग जो हम घरों में जो रेजिस्टेंस जो अर्थिंग करवाते हैं उसमें 10 ओम से कम रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जो अर्थिंग की जाती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 ओम से कम रखनी चाहिए, जिससे जो वहाँ पर कोई भी फॉल्ट होता है वो आसानी से वहाँ पर उससे निपट सकें, किसी को भी जान का खतरा ना हो, जो भी हमारी लीकेज करंट होती है वो आसानी से ग्राउंड में समा जाए। तो दोस्तों इसकी सही जानकारी यही है कि जो हमारा अर्थ है उसके जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 0 ओम के करीब ही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत ही काम आ सकती हैं।